रूसी विदेश मंत्री का भारत में श्रम से झुका सिर। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत रूस का समर्थन कर रहा है तब जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हुई है और यूक्रेन के साथ खड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो भी चल रहा है उसमें पुतिन और रूस को विलेन बताया जा रहा है। फिर भी ऐसी सिचुएशन में भारत अपने पुराने मित्र रूस के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहना भी चाहिए, पर इसका खामियाजा भारत को वेस्टर्न कंट्रीज की एक आरत भरी नजरों से जलना पड़ रहा है। कई कंट्री जैसी हैं जो भारत के G20 में आने से इनकार कर दी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि भारत को रूस के अगेंस्ट बोलना चाहिए, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके चलते भारत को दुनिया के देशों की हल्की सी बातों को झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह रूस यूक्रेन के बीच में भारत रूस को सपोर्ट करना, और ये बात रूस भली बात ही जानता है कि ऐसे कठिन समय में भारत रूस का साथ दे रहा है। इसीलिए जब रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए G20 के लिए, उनका सिर है जो श्रम से झुक गया और उन्होंने माफी मांगी भारत से कि रूस का साथ देने के कारण उसे वेस्टर्न कंट्रीज की एक हिसाब से सिपरेशन को झेलना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। रूस ने हर बार मुसीबत की घड़ी में भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान से युद्ध के समय जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था और अपनी सेना को पाक सेना की मदद के लिए भेज दिया था, तब वो रूसी तरह जब भारत का साथ दिया मतलब भारत की मदद की और आखिरकार भारत युद्ध में जीता और बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ। आज भारत और रूस कई डिफेंस प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने कई फाइटर जेट रूस से खरीदे और रूस ने भारत को अभी अभी एक मिसाइल भी दी और कई सिस्टम की डिलीवरी भी की है। वही पाकिस्तान के सर पर हमेशा अमेरिका का हाथ रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जैसे कई खतरनाक फाइटर जेट दिए, लेकिन बात ये है जिस तरह रूस ने आगे आकर हर बार भारत का साथ दिया है, इस बार ये मौका भारत को मिला रूस का साथ देने का। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है दुनिया के कई देश उसके विरोध में खड़े हो गए। ऐसे में एक उम्मीद जगी है कि भारत इस मामले में रूस की कुछ मदद कर पाए, और इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में चल रही है, और जैसे कि उम्मीद थी इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन का मुद्दा ही दूर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यह सही जगह नहीं थी, बल्कि इसमें दूसरी चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी। G20 की समिट रूस और यूक्रेन को समझाने के लिए नहीं थी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने इसका अखाड़ा बना दिया। लेकिन भारत पूरी कोशिश में है कि इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। इस पूरी घटनाक्रम के बीच कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया के लोग तंग रह गए, और ये सब चीजें समझने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरो, जिसके पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ा हुआ है, सर्गेई लेवरो ने सभी विदेश मंत्रियों के सामने भारत को हाथ जोड़कर माफी मांगी। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री ने भारत से माफी मांगी। दरअसल हुआ ये, अमेरिका के लीडरशिप वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो रहा है। इस वजह से मेजबान भारत की ओर से उठाए गए मुद्दे पीछे छोड़े जा रहे हैं। इसकी वजह से भारत अपनी बात को सही से कह नहीं पा रहा है। रूस के विदेश मंत्री के अनुसार भारत के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का व्यवहार रूस को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहा है। इस वजह से लेवरो ने भारत से माफी मांगते हुए कहा कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज के बुरे व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल्स के साउथ कंट्रीज से माफी मांगना चाहता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डेलीगेशन ने G20 के एजेंडे पर काम को एक तमाशा बनाकर रख दिया है, और उन्होंने पश्चिमी देशों को फटकार भी लगाई। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताओ कि G27 देशों में कौन कौन से देश शामिल है।